सीएम शिवराज एक्शन मोड में दिखाई दिए और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। बैठक में सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर साफ और सख्त लहजे में दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि डीजीपी, सारे आईजी, एसपी और कलेक्टर्स को कह रहा हूं कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें, अपने भी लोग छांट ले जो गड़बड़ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे तत्काल कार्रवाई करें। हम इसीलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा धमकाकर गैर कानूनी काम करे। इसके अलावा सीएम ने महिला अपराध रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं और नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ कार्रवाई की भी बात कही है। तो चलिए आपको सीएम की वो बड़ी बातें बताते हैं जो उन्होंने इस बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रहें। उन्होंने तमाम आईजी, डीआईजी सबको उन्होंने कहा कि अपने भी विभाग के लोगों को छांट ले जो गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे तो उसके खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा धमकाकर गैर कानूनी काम करे। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट कीजिए, जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। तो इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सख्त मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाना, मां बहन और बेटी के सम्मान के बारे में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुराचारी को किसी भी कीमत पर ना बख्शे। बुलडोजर चलने चाहिए। जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, बुलडोजर चलेगा। नशे के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। हुक्का लाउंज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये हम होने नहीं देंगे।